ये कहानी एक ऐसी मोटी लड़की के ऊपर आधारित है जो बिना मौसम के किसी पर भी बरसने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ताकि वो किसी के साथ शादी कर ले और वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिता सके। आगे वो क्या क्या और कैसे कैसे करती है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डेट और इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जूलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, परंतु जूलिया का होने वाला पति मंडप छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसने जूलिया का भयंकर फिगर देख लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी और जूलिया अपने रियल लाइफ में काफी डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके साथ शादी करके अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहता था। तभी जूलिया अपनी एक पड़ोसन को देखती है और उसने भी अभी तक अपनी शादी नहीं करी थी, लेकिन जूलिया को उस बुढ़िया की तरह कुंवारा नहीं रहना था, इसलिए वो अपने राजकुमार की तलाश में घर से बाहर चली जाती है। सबसे पहले जूलिया कुछ मजदूरों के पास जाकर अपना हथनी वाला डांस दिखाती है, जिसे देखने के बाद सारे मजदूर खुश होने के बजाय दिमागी रूप से पागल होने लगते हैं। उसके बाद जूलिया एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ती है और उसे भी अपना वो वाला डांस दिखाने लगती है, परंतु उस टैक्सी ड्राइवर को भी खुश होने के बजाय पागलों वाले मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और उसे टैक्सी में भी नहीं बैठाता। जिसके बाद जूलिया लड़का ढूंढने के चक्कर में पूरे शहर में तहलका मचा देती है और कोई भी रिस्पांस ना मिलने की वजह से वो थक हार कर अपने फादर के ढाबा पर जाती है कि जूलिया अपने लिए एक लड़का ढूंढने के लिए गई थी, जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुमसे शादी कोई हब से ही करेगा क्योंकि वो खुद भी जूलिया के साथ ही खड़े थे। लेकिन तभी उसी दौरान जूलिया की मॉम वहाँ पर आती है जो कि एक इंडियन थी, जिस पर उसके मॉम उसके डैड से कहती कि ना जी ना, हमारी बेटी की शादी तो किसी गुटखा खाने वाले रामू से होगी। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है जो कि एक जापानीज थी, जिस पर वो उससे कहती कि ना जी ना, जीजो तो बस जापानी ही होने चाहिए और इतने सारे बकचोदी होने के बाद ये लोग आपस में ही रायता फैला देते हैं। और इतनी सारी बातों को सुनने के बाद जूलिया वहाँ से कॉफी पीने के लिए चली जाती है और कॉफी लेते समय जूलिया एक बंदे को देखती है जिसका नाम ग्रैंड था, जिसे देखने के बाद जूलिया उसके पहली नजर में ही उससे फिदा हो जाती है और ग्रैंड भी जूलिया को देखकर उसको पहले ही नजर में पसंद करने लगा था। तभी जूलिया के डैड उसे आवाज लगाकर जूलिया को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन अचानक मुड़ने की वजह से जूलिया की केतली ग्रैंड के सर पर लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जूलिया आगे जाने के बाद ग्रैंड को पीछे मुड़कर देखती है, परंतु ग्रैंड उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी जूलिया को ऐसा लगता है कि शायद ग्रैंड भी उसे देखकर वहां से भाग गया होगा। उसके अगले दिन जूलिया एक बिचौली के पास जाती है और उसके पास जाने के बाद वो उससे बोलती कि तुम मेरी शादी करा दो। पहले तो वो 3 फुट का बिचौली उसे ऊपर से नीचे देख करके वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से सबसे पहले पतली गली से निकलो, परंतु थोड़ी देर के बाद वो जूलिया की बातों को मान जाता है और वो जूलिया को भरोसा दिलाने के लिए अपनी अब तक की कराई गई शादी के लिस्टों को उसे दिखाता है और उसके बाद वो जूलिया को अपनी सर्विस सेंटर पर लेकर जाता है जहाँ पर जूलिया की बहुत ही अच्छी तरीके से मरम्मत करी जाती है। और ऐसा ही देखते देखते जूलिया काफी ज्यादा पतली हो जाती है जिसके बाद वो बौना उसके खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे एक डेट पर लेकर जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी लड़कियाँ पहले से ही लाइन में लगी हुई थी और वो भी बस एक ही बंदे के लिए, और वो बंदा भी ग्रैंड ही था और ग्रैंड भी इतनी सारी लड़कियों में बस जूलिया को ही पसंद करता है। और उसके बाद वो दोनों चिकन डिनर पर जाते हैं और वहाँ पर ग्रैंड बहुत ही ज्यादा बेस्टो पी लेता है, जिसके बाद ऑन द स्पॉट वो वहीं पर छपरी डांस करने लगता है। उसके बाद जूलिया ग्रैंड को अपने फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ जूलिया की फैमिली ग्रैंड के आगे अपना नाक कटवाने में जरा सा भी कमी नहीं छोड़ती। उसके बाद ग्रैंड अपने फैमिली से मिलने के लिए जूलिया को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर ग्रैंड की फैमिली भी कुछ कम नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया के डैड जूलिया को निक से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन जूलिया तो ग्रैंड का हुलिया देखकर उसके पीछे पागल हो चुकी थी। जिसके बाद ग्रैंड और जूलिया एक मैरिज ब्यूरो पर जाते हैं और उसे देखने के बाद इन दोनों का सारा मूड खराब हो जाता है, लेकिन इन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो दोनों वहीं पर शादी का प्लान बनाते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक वाटर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंड को अपनी पहली वाली एक्स गर्लफ्रेंड नजर आती है और उसके बाद वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फ्री में बकचोदी के फार्म भरने लगता है। और ये देखने के बाद जूलिया के हर जगह आग लग जाती है। तभी यहाँ पर सीन स्विच होता है और हम जूलिया के उसके शादी वाले दिन को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड की एक्स भी वहाँ पर आई हुई थी और जूलिया की ड्रेस कुछ ज्यादा ही लंबी थी और वो ड्रेस में उलझने की वजह से वो एक एमसीबी से जाकर टकरा जाती है और उसी समय उसे 440 वोल्ट का उसे झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और होश में आने के बाद जूलिया के पास एक सुपर पावर आ जाता है जिसकी वजह से वो लोगों के मन की बातों को सुन सकती थी। तभी जूलिया ग्रैंड की एक्स की मन की बातों को सुनती है और वो मन ही मन बोल रही थी कि वो इन दोनों की शादी होने नहीं देगी, जिसे सुनने के बाद जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो ग्रैंड की एक्स को वहाँ से मारकर भाग जाती है। और जूलिया के फेस पर एक बड़ा सा पिंपल्स भी आ चुका था।
जिसकी वजह से वो शादी के दिन तैयार होने में काफी ज्यादा टाइम लगा देती है। दूसरी तरफ ग्रैंड अपनी एक्स एंडी के साथ जूलिया के आने का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से एंडी ग्रैंड को जबरदस्ती किस करने लगती है और ये सारा कार्यक्रम जूलिया भी देख लेती है। और ये देखने के बाद जूलिया अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है, जिसके बाद ग्रैंड जूलिया को मनाने की काफी कोशिश करता है, परंतु जूलिया उसकी बातों को नहीं मानती, जिसके बाद काफी समय बीत जाता है और जूलिया के डैड उसे निक से शादी करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद जूलिया के ना चाहते हुए भी अपने डैड को हाँ करना पड़ता है। तभी जूलिया के डैड उसे गौर से देखते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि जूलिया इस शादी से अंदर से खुश नहीं है, इसलिए जूलिया के डैड उससे कहते हैं कि जा जूलिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनने के बाद जूलिया अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो सीधा ग्रैंड के पास जाती है, जहाँ ग्रैंड लिफ्ट से नीचे आ रहा था और जूलिया ग्रैंड को ढूंढने के लिए ऊपर जा रही थी। तभी जूलिया बिल्डिंग के छत पर खड़ी हो जाती है और छत की ग्रिल अचानक से टूट जाती है और वो सीधा ग्रैंड की बाहों में गिरती है। उसके बाद ग्रैंड अपनी दिल की सारी बातों के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।